हाय फ्रेंड्स, ये MX की 500 SSD मैंने परचेस की है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप चेक कर सकते हैं इसका प्राइस क्या है। सो जनरली हम लोग को चेंज करना होता है, SSD अपग्रेड करना है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये MX 500, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, इस ऐसी पैकेजिंग में आता है। इसके पैकेज के साथ, इसके बॉक्स के साथ हमें एक ब्लैक कलर का स्टैंड भी मिलता है, जिसको इंटरनल हमें इंसर्ट करना है ताकि वो प्रॉपरली फिट हो जाए। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। पहले ये बॉक्स पे सीरियल नंबर भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये सीरियल नंबर से आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट हमारा जेन्युइन है कि नहीं। सो इसे ओपन करते हैं। ये इसका स्टैंड मिल गया हमें, जो अंदर लग जाएगा। और ये यूज़र मैनुअल है इसका, यूज़र मैनुअल आप पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स है इसमें। और ये हमारी SSD है, ये 1 TB की SSD है, बहुत ही लाइट वेट SSD है। मेरे पास दूसरी SSD भी है, नॉर्मल वाली, बट ये बहुत ही लाइट है। और 1 TB की इसकी कैपेसिटी है, क्रूसियल की है। ये सीरियल नंबर आप देख सकते हैं इसको। इसको हम लोग वापस से मैच भी करेंगे इस सीरियल नंबर को, जो जब इसे इंसर्ट कर देंगे अपने लैपटॉप में। सो SSD अपग्रेड करने से बेनिफिट है कि हमारे लैपटॉप जो है वो स्पीड उसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो चलिए मैं पहले इस लैपटॉप को खोल लेता हूँ। इसके बॉक्स टूल्स रिक्वायरमेंट होगी टूल्स की। सो स्क्रू ड्राइवर से हम इसे खोलेंगे। और फिर मैं ये, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो इस वीडियो में फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। सो इसे हम खोल लेते हैं साइड से। इसके बॉक्स को बहुत इजीली ओपन हो जाता है ये, सारे स्क्रू ड्राइवर ओपन करने के बाद ये आसानी से खुल जाएगा। और देख सकते हो आप, इसको खोलने के बाद कुछ ऐसा अंदर का दिखता है। सो सारे स्क्रूज को प्रॉपरली रख लेते हैं, मेक श्योर कि कोई भी स्क्रू मदरबोर्ड या किसी भी डिवाइस सर्किट पे ना गिरे, अदरवाइज शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ध्यान रखें कि आप इसे जो भी आप परफॉर्म करें, लैपटॉप ना चार्जिंग में भी ना लगा हो, ऑफलाइन मोड में हो। यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी है, ये ओल्डर SSD, ये हमारी NVMe 2 है, और ये SSD है। दो SSD इसमें लगती है। सबसे पहले हमें बैटरी को इजेक्ट करना होगा, देन ओनली हम इसको हटा सकते हैं। तो बैटरी खोलते हैं पहले इसकी। दो स्क्रू ड्राइवर के थ्रू ये कनेक्ट रहता है, बहुत ही ईजिली से निकल जाएगा ये। जब स्क्रू ड्राइवर आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे सिंपली है कि इसको पकड़ के ओपन, स्क्रू ड्राइवर कहीं अटका हुआ है, मुझे लग रहा है वापस से मुझे इसको अच्छे से लूज करना होगा। ये ओपन हो गया, इसको साइड में रख लेते हैं। देन अपने हार्ड डिस्क को निकालते हैं। ये ओल्डर हार्ड डिस्क है, 500 कैपेसिटी की, इसकी स्पीड बहुत ही स्लो है। और ये NVMe 2, और ये दो रैम है। इसको निकालते हैं पहले हार्ड डिस्क को। तो इसे बहुत इजीली निकल जाता है, बट इसको मैंने ग्लू से चिपका दिया है, दैट्स वाई वो इतनी आसानी से नहीं निकल रहा है। तो इसे सेफली हम रिमूव कर लेते हैं पहले, ध्यान से कि ये टूटे ना। और ये देखिए, ये निकल गया है। ये पुराने वाली हार्ड डिस्क होती है, जो SSD नहीं है, नॉर्मल SSD है, नॉर्मल हार्ड डिस्क है। ये 500 कैपेसिटी की है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो होती है, बट हाँ चलती है, ये भी अच्छी है, बट हाँ ये स्लो है। यहाँ से मैं ग्लू को रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज इसके साथ स्टैंड मिला है, जिसकी वजह से हमें इस ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी न्यू वाले SSD को इंसर्ट करने के लिए। ये न्यू SSD है, लाइट वेट वाली। और ये देखो, आप देख सकते हो साइज दोनों का बिल्कुल सेम है, बट इनके वेट में डिफरेंस है, ये बहुत ही लाइट वेट है।
इसे इंसर्ट करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो स्टैंड लगाइए ज़रूर, अदरवाइज़ ये हिलते रहेगा। तो जैसे ही स्टैंड आप इस पर फिट कर देंगे, अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो ये इजीली फिट भी हो जाएगा और ये आसानी से इधर उधर खिसकेगा भी नहीं। तो इसे आप इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए आसानी से फिट हो गई है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बैटरी को इंसर्ट करना है इसमें और देन वी आर गुड टू यूज़ दिस एसएसडी। सो मेक श्योर एसएसडी को जब भी आप लगाएं प्रॉपरली, फिट करने के बाद बैटरी को ज़रूर अच्छे से टाइट कर लें। ये मेरा लैपटॉप एचपी का 840G3 मॉडल है। इसमें दो एसएसडी स्लॉट हैं, दो रैम के स्लॉट हैं। रैम मैक्सिमम हम 32 तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 16 16 8 8 4 4 इन दिस वे। ये टाइट कर लेता हूँ मैं बैटरी, देन मैं चालू करके दिखाता हूँ आपको। इसका स्क्रू अच्छे से टाइट नहीं हुआ, मुझे वापस से इसे अच्छे से कनेक्ट करना पड़ेगा। सो अगेन इसको टाइटली स्क्रू ड्राइवर से हुक कर देते हैं ताकि ये निकले ना अच्छे से, बिकॉज़ अगर ये टाइट नहीं होगा अच्छे से तो आपका लैपटॉप जब भी आप यूज़ करोगे वो हिलेगा, आवाज़ आएगी इसमें। तो इसको टाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये थोड़ा सा हिल रहा है, बट वो जैसे ही उसका बैक साइड का पैनल लगेगा वो उसमें अच्छे से टाइट हो जाएगा। सो इसे टाइट कर लेते हैं और मैं बता देता हूँ आपको, रैम भी अगर चेंज करना है और एसएसडी भी, NVMe M.2 भी चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। सिंपली एक स्क्रू के सारे टिका होता है, बस इसको आप निकालें। ये मेरे लैपटॉप में देख सकते हो आप, ये NVMe M.2 लगा हुआ है जिसमें OS इंस्टॉल है। ये थोड़ी कॉस्टली आती है कंपैरिजन में नॉर्मल एसएसडी जो लगी हुई है। इसमें 840G3 मॉडल में आप मैक्सिमम ये 512 GB यूज़ कर सकते हो और 1 TB मैक्सिमम आप नॉर्मल एसएसडी जो लगी हुई है, जो मैंने लगाई है क्रूसियल की, वो यूज़ कर सकते हो। इसे वापस इंसर्ट करके टाइट कर देते हैं। मैंने अपने लैपटॉप में सारी चीज़ें अपग्रेड की है, मैंने रैम भी अपग्रेड किया हुआ है, NVMe M.2 भी मैंने अलग से लगाया हुआ है, एंड देन हार्ड डिस्क मैंने चेंज की है। रैम को सिंपली दो क्लिप के सहारे यहाँ टिका होता है, इसको निकाल लें और ऐसे आप लगा सकते हैं, इजीली ये फिट हो जाएगा। तो इसमें 16 16 GB यूज़ कर सकते हो आप, 8 8 GB यूज़ कर सकते हो, 4 4 GB यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 32 GB ऑफ रैम आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। तो इसे फिट कर लेते हैं वापस से, क्लिप में आसानी से फिट हो जाता है, बट अभी जा नहीं रहा। मैं देखता हूँ क्यों नहीं इंसर्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लाइट सर्किट है, अगर इसमें ज़रा भी इधर उधर होगा तो वो वर्क नहीं करेगा अच्छे से। इसको सिंपली प्रेस कर दें अंदर तो ये फिट हो जाएगा। अब मैं इसे इसके बैक पैनल को मैं फिट कर देता हूँ, देन मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ कि कैसे इसे इंस्टॉल होने के बाद आगे की प्रोसेस क्या है। क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद ये आपके माई कंप्यूटर में इमीडिएटली शो नहीं करेगा, आपको सेटिंग में जाके चेंजेस करने होंगे, देन ओनली आप इसे क्या कहते हैं देख सकते हो। हम लैपटॉप पे आ चुके हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको नेक्स्ट प्रोसेस करनी है। आपको माई कंप्यूटर में जाना है, देखिए यहाँ ड्राइव नहीं दिख रही है, ओनली सी ड्राइव NVMe M.2 जो लगी है वो दिख रही है। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है कि टास्क मैनेजर में दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ। 16 GB सब रैम मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरी 256 GB की NVMe M.2 हार्ड डिस्क यूज़ कर रहा हूँ SSD, और इसे मैंने इंसर्ट किया। देखिए यहाँ SSD अभी आ नहीं रही है, सी ड्राइव में SSD सिर्फ आ रही है, सेकंड वाली नहीं आ रही है, बिकॉज वो अभी प्रॉपरली इंस्टॉल होने के बाद उसे सेटिंग यहाँ से चेंज नहीं किया हमने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है।
माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपको जाना है फाइल्स में, देन मैनेज में जाना है। मैनेज पे क्लिक जैसे करोगे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको क्लिक करना है डिस्क मैनेजमेंट में, स्टोरेज में जाके। डिस्क मैनेजमेंट में जैसे करोगे आपको एक हार्ड डिस्क डिस्क जीरो पे दिख जाएगी कि आ गई है। अन एलोकेटेड स्पेस में देखिए 1 TB की हार्ड डिस्क है, जो कि स्पेस दिखा रहा है 931 GB का, तो इसे ओके करना है। तो ये आ गई ऑनलाइन, बट स्पेस अभी भी अन एलोकेटेड है, इसे एलोकेट करना पड़ेगा आपको मैनुअली। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है आपको, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। आप अगर पार्टीशन बनाना चाहते हो तो दे दो दो पार्टीशन, अदरवाइज इसको आप सेम एज इट इज एक ड्राइव में रहना चाहते हो तो ऐसे रहने दो। देन आपको सेलेक्ट करना है नेक्स्ट फिर से, और डिपेंड करता है आपको क्या साइज चाहिए। नेक्स्ट करने के बाद ड्राइव लेटर पूछ रहा है, उसको भी आप नेक्स्ट कर दो। न्यू वॉल्यूम नेम चेंज करने के बाद इसे फिनिश कर दो। और ये देखो आप, ये लोकेशन में आ गया है 9:30। अब माई कंप्यूटर में जाके हम चेक करेंगे तो ये हम लोग को शो होने लगेगा। सी ईयर 931 GB एलोकेटेड स्पेस है हमारी न्यू SSD में। सो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है इस SSD की। सो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेगा आपके लैपटॉप में, और आपकी स्पीड को बूस्ट करेगा लैपटॉप के ओल्डर वर्जन में। अगर आप लैपटॉप पुराने मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आप देख सकते हो। अब आपको एक और मेजर काम करना है कि जैसे भी आप हार्ड डिस्क SSD जो भी आपने लिया हुआ है उसका जो सीरियल नंबर है बॉक्स पे, उसको मैच करना है कि एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे SSD आ रहे हैं जो कि डुप्लीकेट आते हैं, तो उसमें सीरियल नंबर मिसमैच होता है। तो आपको कमांड लाइन जाके कुछ कमांड चलानी है, जो सिंपली ये कमांड है जो मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके। बिकॉज जो बॉक्स पे जो सीरियल नंबर है वही इंसर्ट करने के बाद लैपटॉप में जो आएगा सीरियल नंबर, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कमांड चलाना है WMIC डिस्क ड्राइव, देन आपको कमांड चलाना है गेट मॉडल, देन हमें सीरियल नंबर चाहिए, देन सीरियल नंबर, देन कॉमा देके, अगेन स्पेस देके, आपको साइज भी देखना है, साइज भी, देन एंटर। सो देखिए यहाँ पे दोबारा वैल्यू टेक का एक SSD आ रहा है, जो NVMe 256 GB का लगा है मेरा, और जो दूसरा मैंने अभी इंसर्ट किया है क्रूशियल का MX500। सो आप देख सकते हो इसमें 1 TB का साइज है, और इसका मॉडल नंबर एग्जैक्ट सेम है जो बॉक्स पे है। सो ऐसे ही आप मैच कर सकते हैं कि आपका जो SSD है वो करेक्ट आपको मिला है कि नहीं, क्योंकि फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आजकल मार्केट में, गलत डिवाइस गलत चीज़ें आपको डिलीवर हो रही हैं। सो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।